गाइस कैसे हो आप सब। तो हाउ टू चेंज कलर बैकग्राउंड इन वीडियो, ओके। सो इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, पहले जैसी वीडियो बनने वाली है, लेकिन पहले से काफ़ी अलग है। इसमें इंट्रो वगैरह बहुत सारी एडिटिंग की है मैंने यार, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ढूंढ ढूंढ के निकाली है इसमें ढालने के लिए। और मेरा ऑडियो प्रॉब्लम हुआ था तो मैंने उसे फिक्स करने के लिए काफ़ी रात भर काफ़ी ज़्यादा यार सब बकवास करके आपको बोर नहीं करना चाहता। तो चलो जल्दी से जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, बेसिकली यहाँ पे मेरा फ़ोन का स्क्रीन दिख रहा होगा आपको। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, मैं सीधा मतलब लिंक दे नहीं सकता आपको। उस एप्लीकेशन आपको एक एप्लीकेशन डाउन करनी पड़ेगी, तो उस एप्लीकेशन का मैं लिंक नहीं दे सकता, पता नहीं क्यों नहीं आ रही उसकी लिंक। तो ये है वो एप्लीकेशन, इसका नाम है 3D लूट। सही कहा, 3D लूट ये एप्लीकेशन का नाम है। तो इसे ओपन करते हैं, ओके। ओपन गैलरी दिख रहा होगा आपको, उस पर क्लिक करना है। तो आपको जो वीडियो चाहिए जिसका कलर चेंज करना चाहते हो तो उस वीडियो को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं करने वाला हूँ, देखिए ये वीडियो है गाइस, तो इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे अपने वो लाइट इफेक्ट देने होगा वीडियो को, तो लाइट इफेक्ट के काफ़ी सारे ऑप्शन है। मैं म्यूट कर देता इसको ताकि आप साउंड ना सुन सके, इसका साउंड सुना के बोर नहीं करेंगे यार। तो चलो देखते हैं कैसे इसमें मतलब आपको बता दो कैसे लाइट इफेक्ट देना है। तो ब्राइटनेस का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे राइट साइड में आपको एक टेम्परेचर का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो उसको ऊपर नीचे करोगे तो आपको ब्राइटनेस कम या फिर ज़्यादा होगा। तो मैं ऊपर करोगे तो देखो कैसे दिखा रहा आपको। तो मैं इसको फुल बढ़ाया था, फिर कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ाया था, वाइट बैलेंस को थोड़ा कम करना है, फिर बढ़ाया था थोड़ा सा कम कर देता हूँ, हल्का सा कम करता हूँ। तो हल्का सा हो गया कम। फिर टेंट पे जाते हैं हम लोग, टेंट को देखते कैसा है इसमें कलर। तो टेंट को वैसे ही बढ़ाए थे हल्का सा। तो फिर सैचुरेशन में जाते हैं हम लोग, सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देना है, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा देना है। फिर वीडियो को एक मिनट को वीडियो को स्टॉप कर दिया मैंने। तो आपको ऊपर लूट का ऑप्शन दिख रहा होगा राइट साइड में, तो उस पर क्लिक करना है, ठीक है। वो देखो ऊपर लूट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो उस पर क्लिक करना है आपको। तो गाइस इसमें बेसिकली करना क्या होगा, आपको मेन चीज़ है जो आपका डाटा कनेक्शन है उसे आपको ऑन रखना होगा। अगर आप अपने डाटा कनेक्शन ऑन नहीं रखा होगा तो ये वीडियो काम नहीं करेगी गाइस, मतलब जो इफेक्ट है वो सब नहीं आएगी गाइस। मैंने डाटा कनेक्शन ऑन कर दिया, तो देखो ये सब आ गया, अपना जो प्रोसेसिंग जगह वो हो गया। तो आपको राइट साइड में आना है, वहाँ पर टॉप 25 दिख रहा होगा आपको स्टार में, तो उस पर टैप करना है, ठीक है। टॉप 25 इस पर टैप कर दिया हमने, प्रोसेसिंग हो रहा है। तो देखो गाइस यहाँ पे बूम गाइस, यहाँ पे सब कलर आ गए हम लोग को। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक किया, देखो गाइस कैसे ऑरेंज कलर हो गया एकदम सब बैकग्राउंड का। अब नीचे करोगे तो आपको नॉर्मल कलर हो जाएगा, ऊपर करोगे तो वैसा आपका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा ऊपर करोगे तो। टेम्परेचर का ऑप्शन पे तो मैं थर्ड ऑप्शन देखो गाइस ब्लू कलर हो गया थर्ड ऑप्शन पे। आप नीचे करोगे तो आपको नॉर्मल कलर दिख रहा होगा, ऊपर करोगे तो गाइस देखो कलर कैसे चेंज हो रहा है एकदम बेसिक, कितना चेंज हो रहा है। देखो अगर रेड कलर भी देख सकते हो आप, कितना सारे कलर से गाइस रेड कलर हो गया अभी बैकग्राउंड को। और भी कलर देखते हैं आपको, और भी कलर दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे पिंक कलर भी जाते हैं हम लोग, तो देखो यहाँ पे गाइस पर्पल कलर हो चुका है यहाँ पे, एकदम ऑसम लग रहा है गाइस। पर्पल कलर ज़्यादा ऑसम लग रहा है पर्पल, और ये ब्लू कलर मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। इस वीडियो को स्टार्ट किया, दिखा रहे हो प्ले कर रहे कितना एकदम इजीली एकदम सिर्फ एक क्लिक में आपका बैकग्राउंड फुल कलर हो गया, फुल चेंज हो गया कलर सिर्फ एक क्लिक में गाइस। तो आप ही सोच सकते हो कितना ऑसम ट्रिक होगा गाइस ये। नीचे करो देखो गाइस कैसे पहले कैसा था और अभी एक क्लिक में कैसा कैसा हो गया वीडियो देख सकते हो आप। ऊपर नीचे करते करके दिखा रहा आपको कैसा था पहले और कैसा हो गया गाइस। और भी कलर है गाइस आपको दिखाता हूँ, देखो गाइस कितने अच्छे दिख रहे हैं ऐसे एकदम कलर, काफ़ी एकदम मौसम दिख रहे हैं यार गाइस। आप ही सोचो ये एप्लीकेशन का, आप एक जल्दी से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, या अगर आप ऐसे वीडियो बनाना चाहते हो ऐसे कलर देना चाहते हो बैकग्राउंड को, तो आप जल्दी से ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो और यूज़ करके ज़रूर देखना। और मेन चीज़ है गाइस आपको डाटा कनेक्शन ऑन होना ही चाहिए, अगर ऑन नहीं रहा तो आप नहीं कर सकते। और सेव करने के लिए आपको करना क्या होगा, ऊपर राइट का ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर टैप करना है। जहाँ पर दिख रहा होगा आपको शेयर करना है तो शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप किसी को भी शेयर कर सकते हो। और यहाँ पे सेव टू गैलरी है, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो सेव टू गैलरी पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका वीडियो हो जाएगा गैलरी में सेव। सो गाइस मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैंने टैप कर दिया और ये पहले वाली ट्रिक से काफ़ी ऑसम है गाइस। पहले वाली ट्रिक में सिर्फ आप ब्लू कलर दे सकते हो, निकली इस वाली ट्रिक में आप कोई भी कलर दे सकते हो, कोई भी एक कलर दे सकते हो गाइस। और साथ ही साथ इसमें जो आपका ये मतलब अपलोडिंग होता है ना, वीडियो गैलरी में सेव होता है अपलोडिंग के टाइम पे, तो ये काफ़ी फास्ट होता है एकदम, पहले वाले ट्रिक की तरह नहीं है, कुछ ज़्यादा ही टाइम लेता है यार वो ट्रिक। और उसमें समझ में नहीं आता कि कौन सा कितना टाइम लगेगा यार उसमें प्रोसेस, मतलब कितना टाइम बचा रहेगा उसमें। तो